तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 to 4 या मैक्स टू मैक्स 5 ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा और अपना खुद का एक सेक्रेट आपको बताऊंगा, जिसको फॉलो करने के बाद आपको मेरे साइड से इस बात की गारंटी है कि इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी और एयरलाइन में जॉब पाने के लिए, एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए, एयरलाइन एयरपोर्ट एविएशन का हिस्सा होने के लिए जो इंग्लिश आप सीखेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी तक बने रहें और देखें कि क्या करना है आपको। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जो भी वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं और आपको शेयर करता हूं, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर होता है। और ठीक उसी तरह से ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूं या आप इसे देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसमें 3-4-5 कमेंट ये जरूर होते हैं कि सर हम लोग भी एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं लेकिन हमें इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत होती है, तो प्लीज आप ऐसा कुछ कीजिए, इस तरह का कोई गाइडेंस, कोई डायरेक्शन दीजिए कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाए। अगर अच्छी नहीं है तो, और अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो बोल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैं अपने एक व्यूअर से जो मेरा एक कन्वर्सेशन यानी कि जो मेरी बातचीत हो रखी है वो आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाने का पर्पज है कि आप आखिर देख सकें कि एक्चुअली हमारी बात क्या हुई थी। ये जो कन्वर्सेशन था इसका एक्सट्रैक्ट अगर 3 लाइन में आपसे बात करूं तो सीधी सी बात ये आती है, एक व्यूअर हैं जिनको कि इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत होती है, वो एयरलाइन एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं क्या करें, मैं उन्हें कुछ और बताने की कोशिश करता हूं। तो वो बताते हैं कि उनके पास एक इंस्टीट्यूशन से कॉल आया था, इंस्टीट्यूशन ने इन पर बहुत बड़ा एहसान किया इनको सेलेक्ट करके, और उस एहसान के बदले वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इनसे 1-1.25 लाख रुपए मांग रहा है इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। यार एक बात समझ नहीं आती, 1.25 लाख की बात तो छोड़ो, अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन मेरे पास आज ही नहीं बल्कि आज से 10 साल पहले भी आकर बोलते कि 20,000 में 10,000 में आपको हम इस तरह का कोर्स करा देते हैं, तो मैं बोलता भैया आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज आपको मुबारक हो। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पा लेते हैं एज ए ग्राउंड स्टाफ तो आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 15,000 से 20,000 के आसपास होती है। ये मैक्स टू मैक्स बात कर रहा हूं मैं, जो फ्रॉड वाले हैं, दलाल वाले हैं, वो आपको 35 बताएंगे, 40 बताएंगे, दे आर ग्रेट, धन्य है वो, क्योंकि वो इसी का खाते हैं। लेकिन 2004 से और अब तक ये जो लंबा एक्सपीरियंस है 16-17-18 सालों का, उसमें मैंने यही देखा है स्टार्टिंग में जो आपको आज के टाइम में जो सैलरी मिलती है वो टोटली अलग है जो आप सोचते हैं। तो दोस्तों उस सैलरी के लिए 1.25 लाख लगाना कहाँ की समझदारी है। तो सवाल ये आता है कि अगर उतना पैसा खर्च ना करें, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आपके पास पैसे हैं खर्च कीजिए, लेकिन खास तौर से ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं, इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वो इतने सारे 1-1.5 लाख या 1.5 लाख पैसे लगाकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर सके। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि बिना उस एक्सपीरियंस के आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों क्लास 8 से पहले मेरी जो इंग्लिश स्पीकिंग थी भगवान भरोसे थी, क्लास में इंग्लिश के पीरियड में मैं छुप कर बैठता था और वो 40 मिनट मेरे लिए 40 घंटों के समान गुजरते थे क्योंकि मैं डरता था कहीं इंग्लिश के जो टीचर हैं वो ये ना बोल दे अब है खड़े हो जाओ कुछ तुम भी ध्यान दो, कुछ तुम भी बताओ। इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, बस हालत खराब थी। हुआ कुछ ऐसा, मैं अपने एक अंकल के पास गया, चाचा के पास गया, तो एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा अब है तुम क्या इंग्लिश नहीं पढ़ते हो क्या। मैं समझ गया कि ये मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद कभी न कभी उनके लपेटे में मैं ज़रूर आऊँगा। और अगले दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इसके पहले कि वो मुझ पे कूद पड़े कि हाँ भाई लाओ इंग्लिश
कुछ पढ़े क्या जानते हो। मैं खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, उनके पास गया और बोला कि अंकल जी, चाचा जी, आप प्लीज़ मुझे पढ़ाइए, मुझे इंग्लिश से डर लगता था। उन्होंने बिठाया और दोस्तों कसम से बोल रहा हूँ, ऊपर वाला साक्षी है ये, मैं जानता हूँ, इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाना चालू किया। मुझे लगा ही कि नहीं मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। सैमसंग दलीला, रुस्तम एंड सोहराब, द प्रिंसेस एंड द बेगर, इस तरह की प्यारी प्यारी स्टोरीज को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में जब उन्होंने मुझे पढ़ाना चालू किया तो धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट था इंग्लिश के लिए बढ़ता गया। और दोस्तों एक सवा साल के बाद कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आई वॉज द टॉपर इन इंग्लिश इन द क्लास, था सबसे आगे बैठा करता था और टीचर आकर मुझसे पूछते थे कि हाँ अभय आज क्या पढ़ना है। तो दोस्तों ये सब कुछ बताने का सीधा सा एक पर्पज है, आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या मूल मंत्र था कि मेरा माइंड सेट ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो दोस्तों अप्रोच, मेरे मन में जो एक भूत बैठा हुआ था, राक्षस बैठा हुआ था इंग्लिश के लिए कि यार इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश के 12 हाथ होते हैं, 50 दांत होते हैं, मुझे खा जाएगा, वो डर उन्होंने हटा दिया। तो आखिर वो डर हटा कैसे? तो दोस्तों ये बात सुनकर आप में से बहुत लोग या शायद कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो मूल मंत्र है वो ये है कि वो शाम की पढ़ाई को शुरू करने से पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंडेटरी कर दिए थे। तो दोस्तों अब अगर मैं आऊं एक्सट्रैक्ट के, फिर बोल रहा हूं ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन करके देखिए, एक महीने बाद मेरी गारंटी है आप खुद मेरे पास मैसेज करेंगे कि सर या दोस्त आपने जो बताया वाकई वो वर्क किया। करना कुछ नहीं है, आपके पास अगर पुरानी बुक्स का कुछ कलेक्शन है उसमें देखिए, वहां मिल जाएगा, और नहीं तो बुक स्टॉल पे जाकर, ज्यादा महंगी नहीं, 20 25 या 30 रुपए के इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो बेसिक बुक होती है आप उसको लाइए, उसके साथ इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक बुक होती है आप उसको ले आइए, और शाम को या दिन में एक बार दो बार जितना जुनून से आप काम करेंगे उतना बेनिफिट होगा। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों ये काम करता ही नहीं है, बहुत काम करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 8 से 9 साल का टाइम दिया है, टोटल एविएशन में मैंने कम से कम 17 ईयर्स का टाइम दिया है। कोई भी ऐसा पैसेंजर नहीं है जिसे मैंने कंट्रोल नहीं किया, जिसे मैंने हैंडल नहीं किया, चाइनीज, फ्रेंच, जापानीज, डिफरेंट तरह के पैसेंजर्स। तो दोस्तों अगर 3 लफ्जों में, 3 सेंटेंस में, 3 वाक्यों में मैं आपको बताना चाहूं कि इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें, स्टार्टिंग में, शुरुआत के समय में आपको यह बोरिंग लग सकता है जैसा कि मुझे लगा था, लेकिन धीरे धीरे आपको एक आदत पड़ जाएगी। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बुक आपके पास होनी चाहिए, ज्यादा महंगी लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश ग्रामर की एक बुक होनी चाहिए, और नॉर्मल सिंपल जो 20 25 30 रुपए की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक बुक आती है। इन 3 बुक्स को आप अपने पास रखें और इन्हें डेली पढ़ना चालू करें। दोस्तों एक हफ्ते में आपको इसका फर्क दिखेगा, एक हफ्ते मतलब एक हफ्ते। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी पहल आपको ये बताने के लिए कि बिना हजारों लाखों पैसे खर्च किए, रुपए खर्च किए, अपने मेहनत, अपने पेरेंट्स की मेहनत की गाढ़ी कमाई को बिना बर्बाद किए हुए भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। फॉलो कीजिए मेरे सजेशंस को, मेरे द्वारा एडवाइस किए गए स्टेप्स को, और एक महीने बाद आई एम श्योर, मतलब श्योर कि आपकी इंग्लिश में जो निखार आएगा वो दिखेगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, आप
मैं जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं वो है वीडियो का कमेंट सेक्शन। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, मेरे ट्विटर और लास्ट में अगर कुछ ना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बच के रहें। थैंक यू।